आज हम बनाने जा रहे हैं ये वेजी फिंगर्स। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत ही यम्मी है खाने में, और बनाने में उतने आसान भी हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो फिर इफ्तार में नई नई रेसिपी तो ट्राई करना बनता ही है। तो आइए इसकी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल लिया है, इसमें मैंने हाफ कप डाल दिया है कैबेज, बिल्कुल बारीक साइज से कट कर लिया है। साथ में ऐड कर रहे हैं एक शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक सा कट कर लिया है। गाजर लिया है मैंने एक छोटा, उसे भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। साथ में लिया है पनीर, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है हाफ कप, ये भी यूज़ किया है। और साथ में यूज़ किया है आलू, उबले हुए आलू हैं, इन्हें भी अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया है। आलू और ये कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। आलू और कॉर्नफ्लोर एक अच्छे से बाइंडिंग देते हैं, तो वेजिटेबल्स अगर आप कम ज़्यादा कर रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी भी बढ़ा लें। तो साथ में 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया है। अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर से अच्छी बाइंडिंग मिलती है और साथ में आलू भी हमें ज़रूर से डालने हैं। कोई भी सब्ज़ियाँ आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो बस अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अच्छे से फिंगर्स का हम शेप दे देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं इनके, जो भी आपको पसंद हो आप शेप्स इसके बना सकते हैं। इजीली बन जाएगा क्योंकि बाइंडिंग इसकी अच्छे से हो जाएगी। तो बस फिंगर्स का शेप देते हुए हम इन्हें अच्छे से बना लेंगे। जितना भी मिक्सचर है उस हिसाब से हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो अब ऐसे आप बना के इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस अब इन्हें हम फटाफट से फ्राई कर ले रहे हैं, मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। फटाफट से फ्राई हो जाएंगे, बहुत तेज़ नहीं गर्म रखेंगे हम इसमें ऑयल, नहीं तो फिर ऊपर से जल जाएंगे और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा। बस फटाफट से इन्हें हम कर लेंगे फ्राई। ऐसा गोल्डन कलर आने लगा है, बस अलटते पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो अच्छा सा गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं ये, तो बस इन्हें हम फटाफट से निकाल लेंगे। दो तीन मिनट के लिए ऐसे इसी छन्ने पे छोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इसके निकल जाए। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ट्राई करें। इस रमज़ान बहुत ही यमी सी है और इजी बहुत है, फटाफट से ये बन भी जाएगी। तो अब इसे आप अपने पसंद की किसी भी चटनी या फिर सॉस के साथ इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर आप इन्हें ज़रूर से बनाएँ, सभी को ये पसंद आएंगे। स्पाइसी भी हैं, क्रिस्पी भी हैं और यमी भी हैं, और सब्जियां हैं इसमें तो ये हेल्दी भी है। तो इन्हें बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।